ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹਾਥੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਮੋਰਲੇ ਪੌੜ ਚੱਕੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਣੀ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਜੋ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਵੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤ ਤਵੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ जिथे कोई चीज नहीं अड़ती अड़ जाती उथे गुरु का खालसा पूरा कर इसे करके आख्या सी ना खालसा मेरा रूप है खास खालसे मैं हम करो निवास खालसा मेरा इष्ट सुहर्द खालसा मेरो कही अत बिरदा जा मैं रंच ना मिथिया भाखी पार ब्रह्म गुरु नानक साखी धन गुरु कलगी वाले पातशाह महाराज के कोल सिख आया भाई उदय सिंह ने केसरी चंद का सिर बढ़िया नेचे ते टंगिया कलगी वाले पातशाह के चरण च पिटा कर दिता भाई धार दे राजे मैदान छड़ के भज गया महाराज की महान फतेह हुई महाराज ने अपने सिख नूं बड़ा माण बख्शिश किया सिर पाओ दे नाल नवाजिया मेरे शेर पुत कह के महाराज ने नवाजिया समा अपनी चाले चलता गया और समा आया जो आनंदपुर साहब को घेरा पै गया अठ नौ महीने घेरा बंदी रही तो सच्चे पातशाह महाराज को आनंदपुर साहब छड़ना पै गया एक मैं होर बेनती कर जावां तुसी मेरे तो सूझवान बैठे हो मेरे वीर असी एक दिहाड़ा मनाने मुक्तसर साहब का जिथे महान जंग हुई है पता नहीं क्यों साड़ियां तवारीखां विच गंधलापन क्यों किया जा रहा है मैं विद्वान नूं पढ़ रहा सां बड़ी सोचने वाली गल है असी यह गल कह दें कि सिखां नूं बड़ी भुख लगी थे सिखां ने आनंदपुर महाराज नूं बेदावा दे दिता ये असी अपने सिख धर्म का मजाक ही उठा रहे ना असी यह साबित करना चाहते हाँ जिहड़ा खालसा यह कह रहा सी भी मेरे मौत नूं मैं वश कीता सी जन्मे हाँ खंडे की धार विचों इहनूं जन्म दे के मौतों परे ला दिता सी इहदा डेरा अमृत छका के अमृत कीता सी इसरो हनेरे ते कढ़िया विखाया सवेरा हमेशा फड़ाया है बाणी दा पल्ला ते बजर करे तां तो बचना सिखाया सिर नूं तली ते रख के वतन लई तेगा दीआं धारां उत्ते नचना सिखाया जे किते शांति विखाउणी वी पै जाए इहनूं बंद बंद अपना कटाउणा वी आउंदा ओ खालसा जिहड़ा सत अठ महीने भुख नहीं सहार सकिया गुरु नूं बेदावा दे के आ गया असी अपने सिख धर्म का जुलूस नहीं कढ़ रहे पर जदों मैं तवारीखां पढ़िया ना तो जमीन आसमान का फर्क है ये गल नहीं कह रहा कि बेदावा नहीं लिखा गया लिखा गया बाद च लिखा गया याद रखियो गुरु गोबिंद सिंह महाराज का खालसा अठ अठ नौ नौ साल के बच्चे नहीं डोले ते एक गल याद रखियो उत्थे ना तो मालवे वालियां नूं भुख लगी ना साडे दुआबे वाले नूं भुख लगी केवल मझेलां नूं एक तो हो सकता सारे तो बैठे सन ना ये उन्हां लोकां ने लिखिया जिहड़े पंथ नाल खार खांदे सन प्यारो एदां दा कुछ नहीं होया सच्चे पातशाह महाराज दे नाल सिखां ने आनंदपुर साहिब दा किला छड्डिया सरसा कंढी जंग होया सरसा नदी ते बिंदिया इंज भाणा सिंह सिंघा तो बेशुमार बिछड़े दसम पिता तो बिछड़ गई मां गुजरी सेया सिंह बिछड़े सेवा चार बिछड़े ऐपरे आखिया गुरु गोबिंद सिंह ने मेरे सारे दा सारा परिवार बिछड़े दी रही जो गऊ गरीब दी जोर राखी मेरे हथों ना मेरी तलवार बिछड़े कलगी वाले पातशाह महाराज इधर मालवे की धरती चमकौर गढ़ी का साका करके वड्डे तो पुत चमकौर गढ़ी के शहीद करवा के दोटे दो नीआं सरहद दीआं दे चलवा के खुशी नाल कुर्बानियां देण थले जोड़ी इस पासे ते जोड़ी उस पासे समय सरकार नूं खिच है थोड़ी इस पासे ते थोड़ी उस पासे कोई इह तां नहीं ना उहने आख सकदा इस पासे ते जोड़ी उस पासे धन गुरु कलगी वाले पातशाह अज मक्खन पाले पुत्रां नूं अज रेत ला के तुर चले मालक सी तख्तां ताजां दा अज ताज गवा के तुर चलिया शाहां दा शाह सदांदा सी दरवेश बन गया जंगलां विच
ते सब कुछ टॉम लुटा के सी अज अरमान लुटा के तुर चलिया पांदी कोई प्रीत दियां मंजलां दा मंजल इंज मकाम दा बेखिया ना पैर पैर ते राज मां ठोकर हीरे लाल लुटाम दा बेखिया ना असा जिना प्यारियां बच्चे मौत दी पाम दा बेखिया ना पिता कोई भी पुत्रां दी लाश उत्ते मैं गीत खुशी दे गांदा बेखिया ना कलगी वाले पातशाह महाराज परे जांदे ने चमकौर गढ़ी के पुत वारे चमकौर गढ़ी के पुत्र वार के मेरा कलगी वाला बाहर निकलिया अगे बाबे अजीत सिंह की लाश बाबा जुझार सिंह की लाश प्यारे सिंह की लाश सुनियो जरा भाई दया सिंह कहना सतगुरु कफन तो पा दई है बच्चों के उत्ते जी गल का मैं हुक्म होया कहना भी महाराज पुत्रां की लाश उत्ते कफन तो पा दईए रब ना करे प्यारियो किसी के मां बाप उस अखा के सामने क्यों जान कलगी वाले दया सिया एक कौम के शहीद ने जिवें तुसीं शहीदां दे स्थान ते बैठे पिछली चमी दया सिंह वल्ले निगाह गई जान तार दी पट्टा विच लाश लैके बैठा सी जुझार दी मौत दे नशे ते उत्थे जिंदगी है झूमदी बोले दया सिंह लाश तक के मासूम दे जिंदगी दे दातिया सुनहरी बाजा वालिया चावां नाल पुत्रां नूं पालिया सहकदा जुझार वेख पैर किस कालिया एक वारी चक के कलेजे क्यों ना ला लिया लगा होया पातशाह तू पिछे केड़ी गल दे पुत्रां दी पीड़ तां पखे नूं भी नहीं झल जी चाहुंदा इत्थे कुछ प्यार जतला दियां नभाई दी अखीर जिहड़ी रस्म निभा दियां पग ला के सीसी मैं टोट के बना दिया अद्धी अद्धी दोहां दे शरीरां उत्ते पा दिया लखां ही गरीब मापे जग विच पाया कफनों बगैर साइयां किहदे पुत गए बोले ते शमेश पिता अगों ललकार के लैणा की तू दया सी मेरे पुत्तां नूं प्यार के वेख ना मैदान विच जरा निगाह मार के सिंह भी शहीद हो गए किन्नियां जाना वार के सिंघां नूं छड्ड प्यार पुत्तां दा जतला दिया दया सिंघा सिक्खी ते वखेवां किदां पा दे ए जंग दा मैदान ना बन्ना है ना बट है कोई रविदासिया ते कोई पियाईया छातियां इको जिहा फट है ओए अजीत ते जुझार नालों फेर किहड़ा जदों तक इहनां दा हिसाब नहीं ओ मुकदा अजीत ते जुझार दी मैं लाश नहीं ओ चुकदा शोर तू जुझार दा तू छोड़ दे इहदा ही दुमाला इहदे मुखड़े ते मोड़ दे ए कौम दा शहीद नहीं ओ मक्खन लोर कपड़ा लोड़ दे इहदा ही दुमाला इहदे मुखड़े ते मोड़ दे धन गुरु कलगी वाले पातशाह पुत्रां नूं छड के तुर गया मंजला तय करदा होया चमकौर कड़ी तो पुपात पुपात तो हे तो आलमगीर आलमगीर तो शिल वाणी काली हुंदिया होया सच्चे पातशाह महाराज धन गुरु कलगी वाले पातशाह महाराज नेकां पिंडां विच वी हुंदे होए मुकसा दा जंग लड़के सच्चे पातशाह महाराज आ कुलाली दे कंडे वल नुकरे जांदे एक मैं होर तुहाडे नुकते दी गल दसदा कलगी वाले पातशाह महाराज ने पंजां नूं बड़ी प्रमाणगी दित्ती है मैं वीर ढांडी वी पार ला के तुहाडी खिदमत विच पेश करां सुणियो जरा मन ला के पंज प्रमाण पंज प्रधान पंचे पावे दरगे दा अमृत छकाया पंज प्यारे साहिबाना दे सच्चे पातशाह महाराज ने पंज करार बख्शिश कीते अमृत वेले गुरु का सिख उठदा पंज बाणियां पढ़दा साढ़े जिहड़े भगत ने पंज ने साढ़े जिहड़े सरोवर ने अमृतसर दे ओह वी पंज ने अगे चलो इस्लाम दी वीर पंज नमाजां गुजारदा पंजां दा साडा बहु वाह वास्ता ते मेरे कलगी वाले पातशाह पंजां दरियावां नूं पार करके दुनिया ते आया तुसीं थोड़े दिनां तक प्रकाश दिहाड़ा वी मनाउणा है पहला दरिया सच्चे पातशाह महाराज महाराज आप कहते ने कहते तात मात मुर अलख अरादा बहुविध योग साधना साधा तरबैणी दे कंडे महाराज का आगमन होया दरिया गंगा का किनारा है अगे चलो
सतगुरु आण के एक नगर वसाउंदे आ दरिया नारा है महाराज कुछ समय वास्ते एक थां ते चन्न टकाउंदे आ जिहदा नाम है पौटा साहब जिहनूं पहिलां कहिंदे सी पौटिका साहब अज कहिंदे आपां पौटा साहब दरिया जमुना दा किनारा है सच्चे पातशाह महाराज सारा परिवार पौण दे लिखे ला के कहिंदे मेरे सच्चे पातशाह महाराज पंथ वसै मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा सरसा दे कंडे सब कुछ कुर्बान करवा के दरिया सरसा दा कंडा सब कुछ कौन दे लेखे ला के हुक्म रजाई थलना कह के महाराज अखीरला खेड़ खेड़ देने ओ गोदावरी दा कंडा ये पंजवां दरिया है महाराज की जिंदगी का उस दरिया के अंदर कलगी वाला पाछा महाराज बैठा इतने एक थां दा डेरा है क्या साधे हुए बंदे का बिगड़े हुए का नाम साध नहीं है नगर साधुआं दी तार दिंदी है डुबियां नूं बदल दिंदी है जीवन महाणियां नूं कदे राज पठा दे कंगले नूं दर दर भीख मगाम दी राणियां नूं बख्श देवे तकदीर दे हर पुठे बख्श दिंदी है माण निमाणियां नूं महरम साधु ते रब विच भेद कोई ना दुनिया एवे नहीं पूजदी बाणियां नूं महिमा साधुआं दी जननी बड़ी औखी जनन वाले नूं रब मिला दिंदे मन्ना पैंदा प्रभु परमात्मा नूं जिहड़ा मुख दे विचों फरमा दिंदे पल्ला पकड़ लैंदे जो पूरे साधुआं दा उहदियां जड़ां पताल विच ला दिंदे अर्शो फर्शो फर्शो अर्श करदे कदे भाणा भी जे बरता दिंदे महरम पूरे साधु ही डुबदे होया नूं पार लगा पर इह साधु नहीं सी इह शैतान सी पर कलगी वाले पातशाह की शरण आया ते सच्चे पातशाह ने असल बंदा बनाया बंदा महाराज सच्चे पातशाह ने चरणा च बैठा कहिंदा महाराज मैं तुहाडे छोटे साहिबजादियां दी शहीदी की खबर सुनी महाराज मैं तुहाडे वड्डे साहिबजादियां दी शहीदी की खबर सुनी महाराज मैं तुहाडी बिध माता माता गुजरी दे शहीदी की खबर सुनी मैं तुहाडे भुआ दे पुत्र भरावां दे शहीदी की खबर सुनी ते सच्चे पातशाह मृतो नहीं सारिया जांदा महाराज हुक्म करो दिल्ली ते लाहौर नाइट नाइट महाराज कहिंदे नहीं जे तू साडा बनना ना ते साडे वर्गा बन कहिंदा महाराज करना की पवेगा महाराज कहिंदे पंज कोट अंबर ते छकला साडे वर्गा बन जावेगा महाराज ने अमृत छकाया चार सिख पंजवें कलगी वाले पातशाह आप अमृत तैयार करके बाबा बंदा सिंह बना के असल च ना है बाबा गुरबख्श सिंह ते बहादुर दा खिताब गुरु गोबिंद सिंह महाराज दित्ता तू बंदा है ते नाल बहादुर है जे तू बंदा बंदिया रही सिक्खी दे विच बंद हुण मेरे वर्गा अमृत छक लैना उपर दी कृपाण पावे जड़े जड़े नाल खेंदा फिरदा ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਆਰੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਐਸੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਪੁੱਛਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਕ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬੰਦਿਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਆ ਕਦੇ ਹੱਥ ਕਟਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਬਾਂਦਾ ਰੋਪੜੋੜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ ਨਾਲੇ ਸੋਧ ਦੀ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਜਾ ਪੰਛੀਆ ਪੈ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਰਜੌਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ ਇਸ ਰਜੌਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨ ਕੰਡੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤਿੰਨ ਕੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2% ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਚੁੱਭਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਿਤ ਚੁੱਭਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਸੰਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪੱਖਵਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਰਦ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੁੱਭਦਾ ਜੇ ਹਿੰਦੂਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ
पर सिखां दे कोलो संत बाबा जरनैल सिंह की एक भी किताब ला पैना अज भी उन्होंने परिवार उम्रा भोग रहे ने 14-14 साल हो गए जेल अज भी उन्होंने कोई जमानत नहीं एक बलात्कारी बाबा लुच्चा जिन्हों अज भी परोल मिल गई दसो उन्हें किहड़ा धर्म का कहज किया होया सी मैं बेनती कर जमा इधर ना गल करी जाए आप प्यारे खालसा जी रब के पुजारी हो सुपोलियों की पूजा करो ये चंगा दीवा बालो शमशान से शेरां का स्वरूप लैके भेडा वाली चाल चलो वट्टा ना लगाओ पंथ खालसे की शान से खालस राई को एक हाजरा हजूर गुरु जिसकी एवें मत इन्हों लोगों की जबान से एवें लोग भटकते इन्ना दुखी दिया डेर से गुरु ग्रंथ जिहा गुरु कोई हैगा है जहां कद इन भी पढ़ के वेखो साढ़े लागे तो भैया उठिया से बाबा नूर महलिया अज फ्रिज के पिया फ्रिज में वह किडे मूर्ख बंदे पढ़िया लिखिया का जमाना तो अज भी लोग कहते फ्रिज में एक दिन चीज पई रहा खानी नहीं चाहिए किडे अन्ने भगत साढ़े इन्ने लागे शहर नूर महल वह बाबे का वह मृतक का जोड़ा पानी बन बन के मार है उन्होंने अमृत समझ के पी भी जाते किडे मूर्ख लोग आ मैं बेनती कर जा धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज ने इन्हों अमृत छकाया महाराज कहते साड़ियाँ कोई शर्त लै जा लिख के ते चला जा बाबा बंदा सिंह बहादुर महाराज ने पिछे बचों दिते पांच तीर नगारा दे के निशान साहब दे के महाराज ने दे के पासो दे के महाराज ने हाथ च परवाना फड़ाया इन्हें सुनौरे उत्ते वार किया फतेह किया बाबा बंदा सिंह बहादुर एक सिखां नूं गल कहिंदा भाई विनोद सिंह वर्गियां नूं कहिंदा जथेदार जी जथेदार विनोद सिंह जी जथेदार बादशाह जी मेरे वास्ते की हुक्मा कहिंदे साडा तू जथेदार आ साडा तू आगू आ जो तू कहेगा करेगा कहना ना कदे नहीं हो सकता क्योंकि तुसी पंज प्यारे जो हुक्म लाउणगे कह लगे भी साडा तां इह है कि पहला दुश्मन नूं हलूणीए दे वार करता पहला दसीए भी तेरी मौत चक्के आ गई आ हुंदी ते कर ला फेर आ गई घर सुत्तियां पियां नूं मार गया बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लिया पूरा कागज लई कलमा बंदा लिखता बल बजीर दे बोल सच्चे सुच्चे कोई खाधी होई खीर ना खदे पुत्तियां नूं पुत्ते टैंडियां विच लवा दिंदे सी मेरे सतगुरु दे पुत्ते फल पक्के हर कोई तोड़दा तां तोड़ लै पुत्ते ओ लड़ाई पंछिया हुण आ जा रण विच बगै पुत्ते बंदा लिखता बल बजीर दे इक औ परवाना मैनूं भेजिया कसमे पीर ने गल सुन लई ओ थाना कि तेरा बस बिगाड़िया मासूम नदाना अनकल जोगना कोई खावन के जाना नहीं महरम दिसदा तेरा कोई बचन दा अज बहाना बाबा बंदा सिंह बहादुर लैके कलम बाबा बंदा सिंह बहादुर ने दिता होया कार जिहड़ा पहले कमर कसे ची इन्हें मारिया सभी बांह उत्ते कोई खून त्रिप त्रिप करके जो उठिया लैके कलम बाबा बंदा सिंह बहादुर अपने लहू दे नाल वजीर खान जंग दा लाल चप्पड़ चिड़ी दे मैदान विच खड़ के हो Thank you.
शहादत पे वो जीना ही छोड़ देते हैं, वो जिसने अपने का हंस कर खिलौना फोड़ देते हैं, ना हुरो की हसरत ना ताजो तख्त की बालन, खुदा भी दे खुदाई तो वापस मोड़ देते हैं। इतिहाद एक खतकार